आने वाले 2 दिन के बाद 14 अप्रैल 2021 को आदरणीय बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध नगर में है, वहां से हम लोग 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए कांशीराम विचार यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका पूरा पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से होगा कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु कांशीराम विचार यात्रा उसका नाम होगा। साथियों, हम लोग इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के पूरे 403 विधानसभाओं में हम इस यात्रा को पहुंचाएंगे, जिसमें हमारी टीम आगे चलेगी और वो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करेगी। ये यात्रा अब तक की भारत के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा होगी पॉलिटिकल इतिहास के अंदर, जो कि 403 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। इस कार्यक्रम के तहत हमारे कुछ कार्यक्रम रहेंगे, इस यात्रा के तहत हमारे कुछ कार्यक्रम रहेंगे। जैसे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कम से कम 1 लाख झंडे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में लगाएंगे, ये हमारी तरफ से होंगे। बाकी पब्लिक की तरफ से झंडे आएंगे वो अलग रहेंगे। नंबर 2, हम लोग नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जिसमें हम लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। नंबर 3, हम लोग कैडर कैंप करेंगे। नंबर 4, हम लोग वॉल पेंटिंग करेंगे। और नंबर 5, जितने भी गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनसे हम लोग अपील करेंगे कि आप लोग भी, जैसे भाजपा की तरफ बहुत से संगठन मिलकर के भाजपा को सत्ता में लाने के लिए काम करते हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग भी BSP को सत्ता में लाने के लिए आप लोग काम करें। इस प्रकार का कार्यक्रम सम्मानित साथियों हम लोग आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोग आज इधर आपके बीच में पहुँचे हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रही है। सम्मानित साथियों, ये कब से शुरू हो रहा है सर और कब लास्ट डेट होगा? ये सर उत्तर, ये आपका जो बहन जी का जो पैतृक गांव है, 14 अप्रैल से ये शुरू होगा और पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाएगा। पार्टी से भी समर्थन का आश्वासन है, नेता से बात हुई है या आप लोग सिर्फ मिशन कांशीराम के तहत कर रहे हैं? हम लोग मिशन कांशीराम के तहत कर रहे हैं और पार्टी से इसमें कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टी के लोगों का समर्थन इसमें हमें मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। कोई और सवाल किसी का हो तो पूछ सकते हैं। पार्टी के लोग आपको क्यों समर्थन देंगे जिसमें कि आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है पहले? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, तो जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि जयप्रकाश और उनके जो साथी हैं सभी लोग जो हैं मिलकर के BSP को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सभी साथी हमारा समर्थन करेंगे। पिछली बार आपके ऊपर FIR हुई थी BSP की तरफ से, क्या इस बार भी अगर FIR होगी ये रथ चलाने में तो आप क्या करेंगे? अब की बार हमको FIR होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात बनती भी है तो उसको हम उसी समय फेस करेंगे, जैसे भी उस समय अच्छा रास्ता निकल पाएगा। आपका प्लान क्या है पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ घूमने का? पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हम लोग इस यात्रा को लेकर के जाएंगे, प्रत्येक विधानसभा में हम लोग जाएंगे। इसमें कितने दिन का रूट रहेगा ये? 403 दिन का, ये 403 दिन की यात्रा रहेगी। और अगर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से या जो बोलते हैं आचार संहिता की वजह से, किसी वजह से अगर हमारे पास दिन कम पड़ जाते हैं, तो हम लोग 2 विधानसभा को एक दिन में कवर करेंगे, लेकिन पूरी 403 विधानसभा में हम लोग जाएंगे। बादलपुरी क्यों चुना आपने? बादलपुर के एक पीछे एक इवेंट बनता है कि नंबर 1, एक तो उस दिन जो है बाबा साहब का जन्मदिन है, नंबर 2 कांशीराम साहब की विचारधारा है, और नंबर 3 माननीय बहन जी का पैतृक गांव है, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये दिन चुना है और ये स्थान चुना है। इतना बड़ा रथ बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? हमको इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली की तरफ से अपना मॉडल लेकर के जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे, हमारे अखिलेश भाई साहब भी उतरने वाले हैं, बहुत से धुरंधर लोग आ रहे हैं जो कि
बीएसपी को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। नई पार्टी और बनी है, पूरे देश के लोग जानते हैं, तो वे सभी की उनका सबकी इंटेंशन ये है कि बीएसपी को कैसे कमज़ोर किया जाए। अगर हमको उन लोगों को टक्कर देनी है तो उसी लेवल का हमको काम करना होगा। इसलिए हम लोग पहले इसको जो है इस प्रकार से टम्पू के रूप में निकाल रहे थे, लेकिन हमारी साथियों से बातचीत हुई कि हमको अच्छे पैमाने पर निकालना होगा, तो इस समय हमने वैनिटी बस जो है हमने तैयार की है, जो कि बाहर आपको देखने के लिए मिलेगी, आप उसे जब उस समय शूट करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा कार्यक्रम है, तो बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने रखा है। 1 लाख झंडे जो है वो आप पंचशील के लगाएंगे, जय भीम के लगाएंगे, या देश का झंडा लगाएंगे, या फिर बीएसपी के लगाएंगे? हम बहुजन समाज पार्टी के झंडे लगाएंगे। हमने पूरी बस को 2 हिस्सों में बांटा है, एक जो उसकी जो कंडक्टर साइड जो है उसमें सारे महापुरुषों के फोटो हैं और झंडा बीएसपी का है, और बस का जो ड्राइवर साइड का जो पोर्शन है उसमें सारे के सारे फ्रीडम फाइटर हैं, और उसके ऊपर झंडा तिरंगा रहेगा जो देश का झंडा है। तो इस प्रकार से हमने पूरे कार्यक्रम को बांटा है। आप इस दस को चलाने के लिए आपका क्या स्वार्थ है? हमारा अपना पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मूवमेंट के खातिर हमने सोचा कि भाई मूवमेंट को अगर बचाना है, मूवमेंट जो जिस प्रकार से काम कर रहा है या उसे गति देनी है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को बाहर से भी काम करना चाहिए, चाहे हम बेशक बीएसपी के अंदर ना हो, लेकिन हमें बाहर से भी बीएसपी के लिए काम करना चाहिए। जयप्रकाश जी, जो लंबा 403 दिन का आपने 1 साल से ज्यादा का जो समय बताया, जिसमें आप इस रथ को पूरे 403 विधानसभा में लेकर के जाएंगे, इसमें तो बहुत खर्चा होगा, फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आ रहा है कुछ? देखिए, अभी हमने जो है चेसिस है, जैसे गाड़ी को हमने तैयार किया है, ये बात जायज है नागपाल जी की, इसमें हम सभी साथी मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ में नरेंद्र भाई साहब हैं, आप जो है इनका छोटा सा अपना कारोबार है, हमारे और जो साथी हैं जो नौकरी पेशे से भी संबंध रखते हैं और बिजनेसमैन हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके हमने फिलहाल इस रथ को तैयार किया है, और इसके बाद हम लोग जो जब रथ को निकालेंगे तो हम लोग आर्थिक सहयोग के रूप में लोगों से हम लोग आटे की, दाल की, चावल की 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये की, 50 रुपये की हम लोग अपील करेंगे। दान पात्र भी हमारे गाड़ी के साथ रहेगा, उससे हमारा तेल पानी का खर्चा चलेगा। तो अब तक हमारा गाड़ी का जो तैयार है वो हम लोगों ने सबने मिलकर के तैयार की है, और आगे का भी हम लोग सफ़र तय करेंगे जो हमने आपको बताया। अभी समय में कितने लोग एक साथ चलेंगे गाड़ी के, कितने लोगों का क्या प्रॉब्लम? ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, लेकिन 4-5 गाड़ी हमारी अपनी चलेंगी, उसके बाद हमारी एक टीम आगे चलेगी और वो गाड़ी वो फील्ड को तैयार करती हुई जाएगी टीम, वहाँ के लोगों को बताती जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि हर एक विधानसभा के बाहर 100-200 लोग मोटरसाइकिल लेकर के उस रथ का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, 10-20 गाड़ी भी रहेंगी। कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो 100-200 गाड़ियाँ भी हमारे साथ चलेंगी। ये तो गाड़ी लेकर के आएंगे, बसपा के लोग होंगे या जो आपके अपना संगठन उनके लोग? वो बसपा के लोग भी रहेंगे और सामाजिक लोग भी रहेंगे, क्योंकि अभी जब हम घूमे थे उस समय भी बसपा के सिटिंग पदाधिकारियों ने भी हमको सहायता की थी, हम लोगों को सहयोग किया था। तो बीएसपी के लोग भी सहयोग करेंगे और नॉन बीएसपी के लोग भी सहयोग करेंगे। मतलब हाँ जी, तरफ बसपा आपकी एफआईआर करती है, आप कहते हैं कि लोग समर्थन भी करते हैं? देखो, एफआईआर की ये बात भी सच है, हमारा समर्थन हुआ ये बात भी सच है, हम उस बात को झुटला नहीं रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जब हम फील्ड में गए थे तो बीएसपी के पदाधिकारी भी हमारे स्वागत के लिए वहां पे खड़े हुए थे। दोनों बात सच है, ये तो आपको देखना होगा। बीएसपी पार्टी आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? वो उनका अपना विवेक है, वो कब तक ऐसा सोचती हैं कि भाई अब सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बीएसपी के जो पद पे जो रहने वाले जो छोटे छोटे पदाधिकारी जो हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं। समिति है पूरी, उसका कोई नंबर आप देना चाहें जो लोग आपसे संपर्क कर सकें, और दूसरा आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उसका एड्रेस आप बताएं जिससे कि लोग आपको देख सकें। जयप्रकाश सिंह के नाम से हमारा पेज है, जयप्रकाश सिंह के नाम से ही हमारी फेसबुक आईडी है, और बाकी और भी जो पत्रकार बंधु हैं जो हमारे साथ जो सोशल मीडिया को देखेंगे, हम अपने साथ एक टीम भी रखेंगे पत्रकार बंधुओं की, वो हमारे साथ पूरे सफ़र को तय करेगी, वो पूरे देश के लोगों को बताती रहेगी। और बाकी जो है हमारा 95 88 88 21 01 से लेकर के 4 तक का हमारे ये नंबर है। एक लास्ट सवाल और है कि 14 अप्रैल को आप ये अपना रथ का उद्घाटन कर रहे हैं जी, इसका समापन कौन सी तारीख को होगा? ये जिस समय विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो आचार संहिता लगेगी उस समय हम लोग उसको समाप्त कर देंगे, अब बाकी उस दिन से शुरू करेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।